हेलो गाइस, वेलकम टू द एजेंट न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे दी एवेंजर्स मूवी के बारे में। अगर इसकी टाइमलाइन को देखा जाए तो ये इवेंट हुआ था 2012 में, जिसमें कि चित्तौरी सेना ने हमला कर दिया था न्यूयॉर्क सिटी पर, जिसमें कि सारे अलग अलग जो एवेंजर्स थे उन्होंने फैसला करा कि वो एक साथ मिलकर न्यूयॉर्क सिटी को बचाएंगे, जो कि खिलाफ थे शील्ड के। और शील्ड निक फ्यूरी बिल्कुल बेबस हो गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि सारे एवेंजर्स बिखर चुके हैं, पर एंड में सारे एवेंजर्स मिलकर एक साथ पूरी न्यूयॉर्क सिटी को बचा लेते हैं। अब ये तो रही बात न्यूयॉर्क सिटी के हमले की, जब न्यूयॉर्क सिटी पे कोई हमला हुआ है और देन ये बात पूरी न्यूज चैनल पे ना आए तो काफी गलत बात है। तो CNN एक चैनल था जिसपे ये सारी न्यूज दिखाई जा रही थी, और देन आप न्यूज पे ध्यान देंगे तो आपको कुछ चीजें और कुछ ईस्टर एग पता चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप इस स्क्रीन पे ध्यान दे रहे हैं, जिसमें कि चित्तौड़ी सेना का वेपन पड़ा हुआ है, और इस वेपन के बाद जो सीन आता है, जैसा कि रिसेंट में आप जो सीन देखने वाले वो होता है डैमेज कंट्रोल का, यहाँ पर वो डैमेज कंट्रोल खड़ी हुई है, जो कि स्पाइडरमैन के लिए सीधा रेफरेंस देती है। देन उसके बाद सबसे बड़ा रेफरेंस, यहाँ पर आप दो बच्चे देख रहे हैं जो कि पीछे एक ब्लू कलर की शर्ट में और देन आगे व्हाइट एंड ब्लू कलर की शर्ट में है, तो ये हमारा और कोई नहीं पीटर पार्कर और नेट से है। और देन थर्ड स्क्रीन में हमें स्टैनली दिखाई देते हैं, जिनका कैमियो हर मूवी में होता है, तो ये ईस्टर एग काफी इंपॉर्टेंट थे अपकमिंग मूवीज के लिए। और देन यहाँ पर इंडिया का सीन दिखाया गया है, जिसमें कि लिखा हुआ है आयरन मैन के लिए आदमी लोहा वाला, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे। और देन फाइनली जब पूरी न्यूयॉर्क सिटी को बचा लिया जाता है, थोर अपने भाई को एसगार्ड ले जाता है, तो देन उसके बाद एक और स्क्रीन का आता है। तो आपके लिए ये एक जनरली क्वेश्चन है कि इस लड़की का पूरी पिक्चर में रोल क्या था, और जबकि ये लड़की पूरी पिक्चर में सिर्फ छोटे से सीन में आई थी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन गाइस, आपको ये ईस्टर एग पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, चारों।